देखिए जी, एक पीडीएफ लिंक है, पूरा पीडीएफ फाइल है, और उसमें जो है ये लास्ट ईयर लीक्ड हो चुका था। और इस पीडीएफ फाइल का नाम था पीएमसी लीक्ड क्वेश्चन, और ये दावा किया गया था कि कुछ हैकर्स ने पीएमसी का जो ऑफिशियल डेटा है उसको हैक किया है और उसमें से ये एमसीक्यूज़ निकाले हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ को देख के, इन एमसीक्यूज़ को देख के, इसकी पैटर्न को देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि वाकई ये जो है कहीं से लीक्ड हो चुके हैं। इसका जो पैटर्न है, इसका जो लेवल है, हर एक लिहाज से तो बिल्कुल ये इस तरह कंसिडर किया जा सकता है कि ये पीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट से लीक्ड क्वेश्चंस है। ये 2021 की डेटा है, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको एक दफ़ा देख लें ताकि आप लोग को भी आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये सारा कुछ जितना भी है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक टॉपिक वाइज और किस तरह के एमसीक्यूज़ आपके लिए बनाए जाते हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा टाइम दे के आप लोग ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली ये एमसीक्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे और आप फर फर अपने ऑप्शंस जो है वो फिल करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस किस्म के एमसीक्यूज़ बिल्कुल आ जाते हैं आप लोग के सामने। ये एक बेस्ट पैटर्न है, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जी, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपके एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। वो सारे का सारा कुछ यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि आपके एमसीक्यूज़ किस तरह के बनाए जाते हैं। देखिए जी, नंबर फर्स्ट इसमें से रेंडम आप लोग के लिए उठाए जाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो देखिए जी, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से ये एमसीक्यू उठाया गया है। तो देखिए जी, बायो है, फिजिक्स 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 केमिस्ट्री, देखिए जी केमिस्ट्री, फिर बायो, तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के आगे टॉपिक है कि किस टॉपिक में से ये उठाया गया है। सपोज़ करें कि आप लोग का बायो चल रहा है, तो बायो में जेनेटिक एंड वेरिएशन, या फिर फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी, केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से ये टॉपिक्स में से ये उठाए गए हैं। सब टॉपिक भी साथ में गिवन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें फोर्स एंड मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन में से एमसीक्यू उठाया गया है। ठीक है, अब एमसीक्यू की लेवल क्या है, तो जिस तरह पीएमसी कहता है उसमें से ईजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, तो ये डिफरेंट किस्म के लेवल के एमसीक्यूज़ जो है वो गिवन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, अब एमसीक्यू क्या है, तो डिफरेंट एमसीक्यूज़ आप लोग को नज़र आ रहे हैं। ये अब क्वेश्चन टेक्स्ट है, ठीक है, अब क्वेश्चन टेक्स्ट में कौन सा मैं रीड करूँ। सपोज़ When source is at the center of circle and observer is moving on circumference of circle, sound here by the observer. तो ये उसमें से साउंड में से उठाया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप लोग देख रहे हैं, what is the unit of kW for water? तो ये एक moderate question है। easy क्या है, before the collision of molecule, और साथ साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा options भी given हैं। देखिए जी, A B C D, यहाँ तक ये options हैं। देखिए जी, suppose करें कि एक एमसीक्यूज़ है, उसमें आयन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड क्वार्क्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, देखिए जी ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये इसके सामने ये जो है ये बिल्कुल इसके पीछे ये एमसीक्यूज़ है, और एमसीक्यूज़ के पीछे यहाँ पे इसका लेवल, फिर सब टॉपिक, टॉपिक एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ आप देख लीजिए, ये स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश में आप लोग ज़रूर ये सारे टॉपिक्स जो है देख लें, क्योंकि इंग्लिश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आप लोग को पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में से कैसे उठाए जा सकते हैं, सेंटेंस मेकिंग में से कैसे उठाए जा सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा जो पीडीएफ लिंक है ये आप लोगों को फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, एंड इसमें जो है कुछ ही पेजेस काम कर रहे हैं, आई थिंक 6 पेजेस तक ये काम कर रहे हैं, बाकी 26 पेजेस हैं, उसके आगे जो है ब्लैंक पेजेस हैं, लेकिन ये 6 पेजेस भी आप लोग रीड करेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लिंक जो है आप लोग को फर्स्ट कमेंट में से मिल जाएगा। थैंक यू जी।